पासे लगातार जिथे किसान सड़कां ते डटे होए ने दूजे पासे राज्यसभा दे विच दो बिल पास हो चुके ने ते अज तीजा बिल पेश कीता जावेगा। इस विचकार कांग्रेस ने राज्यसभा इजलास दा बाइकॉट कीता है, मुअत्तल सांसदां नूं बहाल करन दी मंग कीती है, एमएसपी नूं बिल दा हिस्सा बनाउण दी मंग कीती है, एफसीआई दी खरीद एमएसपी तों थल्ले ना होवे, इह मंग कांग्रेस वल्लों कीती जा रही है। तां लगातार आए दिन इह पूरा मामला भखदा जा रिहा है ते पिछले कई दिनां तों जिथे लगातार किसान ते उतर के धरने प्रदर्शन दे रहे ने। लोकसभा विच बिल पेश होए पास होए उस तो बाद विरोध के बावजूद राज्यसभा दे विच चर्चा हुई, हंगामा होया, बिल दो पास होए ते अज तीजा बिल पेश कीता जावेगा। इस विचारे 8 सांसदां ते कार्रवाई की जाती है, हंगामे नूं लैके उस तो बाद कांग्रेस ने राज्यसभा इजलास का बाइकॉट किया है, मुअत्तल सांसदां नूं बहाल करन दी मांग कीती है, एमएसपी नूं बिल का हिस्सा बनाउण दी मांग कीती है, ते एफसीआई दी खरीद एमएसपी तो थले ना होवे, इस गल का जिक्र उन्हां वल्लों किया गया। तस्वीरां दर्शक देख सकते हैं कि अज राज्यसभा दे विच तीजा बिल पेश किया जाएगा, उस तो पहला सांसदां दी नाराजगी नजर आ रही है। विरोधी पार्टियां वल्लों लगातार एक कोशिश की गई कि केंद्र सरकार तक किसानां दीआं चिंतावां नूं रख्या जावे, जो शंके ने किसानां दे उन्हां नूं केंद्र सरकार तक खेतीबाड़ी मंत्री तक पहुंचाया जावे। हालांकि केंद्र सरकार का स्टैंड लगातार स्पष्ट है कि किसानां नूं कोई नुकसान नहीं होएगा, एमएसपी ते असर नहीं होएगा। इस विचकार कांग्रेस ने राज्यसभा इजलास का बाइकॉट किया है। साथियों को 4-5 पार्टी के उनको सस्पेंड किया गया और वो पहली दफा मैं समझता हूँ कि मैंने देखा कि ये सस्पेंडेड एमपीज गांधी जी की प्रतिमा के नीचे रात भर रहे, सोए भी यहीं और अभी उठे। बाइकॉट हमने 3 चीज़ों के लिए किया। बाइकॉट क्या है कि जब तक इसमें जो बिल में प्रावधान है कि किसान कहीं भी अपनी जो फसल है बेच सकता है देश में प्राइवेट मार्केट, तो इसमें एक नया बिल बनाना चाहिए जिसमें ये प्रावधान होना चाहिए कि जो भी प्राइवेट प्लेयर खरीदेगा वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। ये अनिवार्य बनाना होगा प्राइवेट परचेजर के लिए भी कि उसको खरीदना होगा एमएसपी के रेट पर। अगर सरकारी कोई भी एजेंसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजेंसी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो जब किसानों से खरीदेगी अनाज तो वो भी एमएसपी से नीचे नहीं खरीदनी चाहिए। जब तक ये 3 चीज़ें सरकार सदन के अंदर नहीं कहती है कि ये करेगी, तब तक हम बाइकॉट करें।